वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन। अदरक हमने 1 इंच ले ली है, उसे स्लाइस में कट कर लिया है। और लहसुन मैंने 4 से 5 क्लव्स ले लिए है। उसके बाद हम एक छोटी प्याज को स्लाइस कर लेंगे रफली। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च अखी और 2 कार्डमम, 2 जावित्री का छोटा टुकड़ा, 1 टेबलस्पून के करीब नमक, तेज़पत्ता 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, सौंफ और 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। और यहाँ पे हमने ले लिया है 1/2 किलो के करीब चिकन। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब चावल ले लिया है, बासमती राइस। उसको हमने 1/2 घंटे के लिए भिगा देना है। यहाँ पे आज मैंने आपको ये बताना भूल गई कि आज हम ये नॉर्मली बॉयलर चिकन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम गौटी चिकन का यूज़ करके पुलाव बना रहे हैं। तो हमें से प्रेशर कुकर की मदद से चिकन को गलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुकर में चिकन ऐड कर लेते हैं। फिर हमने जो सारे मसाले देखे हैं उस सबको इसमें ऐड कर लेंगे। फिर अब हम इसमें 1 से 1.5 ग्लास के करीब पानी ऐड कर लेंगे और उसे हाई फ्लेम पर सीटी आने तक होने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को लो करके इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर इसके गैस को हम स्विच ऑफ कर देंगे। और अब चलिए हम देखते हैं हमें मसाला भूनने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी प्याज। यहाँ पर हमने 1 बड़ी प्याज को ले लिया है और उसे इस तरह से काट लिया है और उसे अच्छी तरह से श्रेड करना है, क्योंकि हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करने तक पकाना है। और फिर हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं और 3 मैंने यहाँ पे लौंग ले ली है, 4 काली मिर्च का दाना ले लिया है, 2 इलायची, 1 दालचीनी, 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर और कुछ धनिया, और 3 मैंने यहाँ पे मिर्ची ले ली है, उसको बीच में से मैंने स्लिट मार लिया है, और 1/2 कप के करीब मैंने यहाँ पे दही लिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए तक के फ्राई करना है। प्याज का जैसा कलर चाहिए था बिल्कुल वैसा ही आ गया। हम थोड़ी सी प्याज को गार्निशिंग के लिए डिश आउट कर लेंगे और बाकी की प्याज हम इसी में ऐसे ही रहने देंगे। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और सारे अच्छे गरम मसाले जो हमने निकाले थे उसमें ऐड करेंगे, कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा गौटी चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसे एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे। हमने सारे चिकन निकाल लिए हैं। प्याज वाले मसाले में हमारे चिकन को ऐड कर देंगे और उसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें ये पाउडर्ड मसाले हमने जो निकाले हुए थे इसमें ऐड कर लेंगे, रेड चिली पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर और ग्रीन चिलीज, और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनना होगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। और अब इसमें हम 1/2 कप के करीब दही ऐड करेंगे और इसे भी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, तब तक जब तक के
ऑयल जो है मसालों में से सेपरेट ना हो जाए तब तक के हम इसे भूंज लेंगे। जो है ऑयल सरफेस पे आ गया है, अब हम इसमें हमारा चिकन स्टॉक ऐड कर लेंगे। चिकन स्टॉक को हमने स्ट्रेन कर लिया था, इसे अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए रखना है। ये इसके बाद बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें हमारा चावल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब और पानी ऐड कर लिया था और अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब नमक भी ऐड कर रही हूँ। ये जो है अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें चावल को स्ट्रेन करके डाल देंगे। चावल को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही, जब तक कि हमारा पानी जो है पूरी तरह से एवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक के हम इसे पकने देंगे। अब हमारा पानी जो है ऑलमोस्ट एवेपोरेट हो चुका है, अब हम इसको ऊपर लिड लगा लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर ही पकने के लिए रख देंगे। अब देखते हैं हमारा ये पुलाव बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसे एक फाइनल टॉस देते हैं और फिर से हम डिश आउट कर देंगे। पुलाव को एक डिश आउट कर लिया है, अब हम इसे फ्राइड ऑनियन और कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए।